हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में इलीगल लोगों को लेके बात करेंगे। जो लोग इलीगल है कुवैत में, कैसे इलीगल हो जाते हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कुवैत से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इलीगल लोगों को। तो अभी सवाल यह होता है कि लोग इलीगल कैसे होते हैं कुवैत में। देखिए, कुवैत में जो भी आते हैं लीगली ही एंट्री करना पड़ता है, इलीगली कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनने में मिलता है कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है, इलीगल लोगों को। तो देखिए, कुवैत में जो लोग घर पे काम करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो लोग घर से भाग जाते हैं, भाग के किसी भी जगह पे काम ढूंढ के काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका ऊपर अपना जो कफील होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो अगर केस कर दिया तो वो इलीगल हो जाते हैं। एंड ऑल्सो उनका जब एकामा एक्सपायर हो जाता है तो वो रिन्यू नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वो इलीगल हो जाते थे। ऐसा बहुत सारा कंपनीज भी है जहाँ पे लोग आते हैं, आके वहां से भाग जगह बाहर में काम ढूंढते हैं, वहां पे भी लोगों का एकामा रिन्यू करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो भाग के गए हैं, रिलीज लेके नहीं गए हैं, बिना बताए चले गए। मतलब उनका जो पासपोर्ट है वो भी कंपनी के पास है या एम्प्लॉयर के पास है, वो खुद बस यहाँ से निकाल के भाग गए, किसी भी जगह में काम कर रहे हैं ढूंढ के। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम भी नहीं है, बहुत सारे हैं जो काम करते हैं। तो गाइस देखिए, जब कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं उसके बाद उनका एकामा कभी भी रिन्यू नहीं होता है, लेकिन वो लोग निकाल के भी नहीं जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। उसी काम के दरमियान जब पुलिस पकड़ते हैं तभी जाके उनको डिपोर्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग हैं जो विजिट वीजा में कुवैत में आके यहाँ से टाइमली नहीं गए निकाल के, वीजा एक्सपायर हो गया फिर भी कुवैत में है, वो लोग भी इलीगली कुवैत में है, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। एंड ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कुवैत में लीगली है फिर भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जो कुवैत का रूल्स है उनका खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे कुवैत का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक आप जिस कंपनी का वीजा है आपके पास, जिस कंपनी के थ्रू आप कुवैत में आए हैं, उसी कंपनी में आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप किसी और जगह में काम कर रहे हो, आपका वीजा किसी और जगह का है, वहां पे भी आपको पकड़ा जाता है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए अब जब भी आते हो कुवैत में, ये डिसाइड करके आइए कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसी कंपनी में ही मेरे को काम करना है। फिलहाल कुवैत का जो कंडीशन है ये बहुत ही खराब है, इलीगल लोगों को एंड ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है कुवैत में। हर जगह में चेकिंग चलाया जा रहा है, हर रोज न्यूज मिलता है, इस एरिया से इतने सारे लोगों को पकड़ा गया, उस एरिया से उतने सारे लोगों को पकड़ा गया। इसलिए जितने सारे लोग आप में से कुवैत में इलीगली है, आप लोग भी ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो जो लोग नए आने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा काम के लिए मत आइए कि वीजा एक जगह का है, दूसरा जगह में काम ढूंढ के करूंगा। फिलहाल तो ऐसा मत आइए, क्योंकि इस साल जो 2022 जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा चेकिंग चलाया जा रहा है। आप लोग अगर यूट्यूब में भी देखेंगे, न्यूज चैनल में भी देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, कैसे डिपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए हमेशा इन बातों का। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।